सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 6 जून को भारत और चाइना के टॉप मिलिट्री कमांडर्स के बीच एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की गई है, और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल अभी तक इस मीटिंग के बारे में कोई और नया अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन आज इसी के रिगार्डिंग इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि इंडियन और चाइनीज ऑफिशियल्स भारत चीन सीमा क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए स्थापित सैन्य और राजनीतिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, और इस स्तर पर इस बातचीत को लेकर किसी भी तरह की अटकलें लगाना या फिर निराधार रिपोर्टिंग करना मददगार साबित नहीं होगी, और इंडियन आर्मी ने मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी है। यानी कि जब तक इस बातचीत को लेकर इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। और बाकी जैसे इसका कोई नया अपडेट सामने आता है तो हम आपको अपने अगले डिफेंस अपडेट में इसके बारे में जानकारी दे देंगे, और वरना आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, इसे शॉर्ट फॉर्म में एरिस के नाम से जाना जाता है, इन दोनों एजेंसीज के बीच एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU साइन किया गया है। और जो ये MOU साइन किया गया है, ये स्पेस वेदर की R&D स्टडीज, स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, एस्ट्रोफिजिक्स और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज को स्थापित करने के लिए इसरो और एरिस के फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए एक नया रास्ता खोलता है। और बाकी इसके अलावा इसरो के एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि अगर इसरो के यूनिट्स को एक सेपरेट एंटिटीज में कन्वर्ट किया जाता है तो इससे इसरो का टर्नओवर काफी हद तक बढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पे इसरो को रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, और इसरो के जो यूनिट्स हैं जैसे कि पेलोड, सैटेलाइट, रॉकेट इंजन प्रोडक्शन, लॉन्चर इंटीग्रेशन एंड लॉन्च सर्विसेज, ट्रैकिंग एंड सैटेलाइट मेंटेनेंस सर्विसेज, इन सभी को एक अलग से सिंगल बिजनेस एंटिटीज के तौर पर कन्वर्ट किया जाए। तो ऐसा करने से जो इन सभी इंडिविजुअल एंटिटीज के जो टर्नओवर होगा वो इसरो के मौजूदा टर्नओवर से काफी ज्यादा होगा, और उनके मुताबिक अगर इसरो में इस तरह के इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं तो इससे इनोवेशन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ट्रूप्स की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी इसके लिए जवाबी कार्रवाई की गई है, और फिलहाल अभी तक इसमें किसी भी तरह की कैजुअल्टी होने की रिपोर्ट नहीं है। और बाकी इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार फिर से LOC पर भारत के किसी स्पाइंग क्वाडकॉप्टर को शॉट किए जाने का दावा किया है, पर ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के जो इस तरह के दावे होते हैं वो सरासर फेक होते हैं और आखिर में उनका खुलासा हो ही जाता है। असल में जो एक क्वाडकॉप्टर को शॉट किए जाने वाली रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान के दो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, एक DGISPR और एक रेडियो पाकिस्तान, इन दोनों ने पोस्ट किया था। हालांकि इन दोनों ट्विटर हैंडल्स पर ये लिखा गया था कि इस साल पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स द्वारा शॉट किया गया ये भारत का 8वां क्वाडकॉप्टर है। लेकिन बस गलती यहाँ पर ये हो गई कि इन दोनों ने जिस क्वाडकॉप्टर की पिक्चर लगाई थी वो दोनों ही अलग अलग थी। यानी कि DGISPR की तरफ से पोस्ट की गई पिक्चर अलग थी और रेडियो पाकिस्तान की तरफ से पोस्ट की गई पिक्चर अलग थी, और जबकि दावा ये था कि ये इस साल का 8वां ड्रोन है। यानी कि ड्रोन एक ही गिराया है लेकिन पिक्चर तो अलग अलग है। हालांकि जब उन्हें मालूम पड़ा कि इनकी ये गलती हुई है तो बाद में रेडियो पाकिस्तान ने अपनी इस पिक्चर को करेक्ट कर लिया है। हालांकि इस बार समझदारी ये की है कि उन्होंने ड्रोन को इस तरीके से प्लेस किया है ताकि उसकी कंपनी का नाम ना दिखाई दे। हम तो पाकिस्तान को यही कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें इस तरह की हरकतें करनी है तो थोड़ा सा दिमाग ही लगा लो। भारत चीन सीमा विवाद के बीच साउथ एशिया के टॉप US ऑब्जर्वर टेलिस का दावा है कि सीमा पर स्थिति को स्थिर करने के लिए जो भारत काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है, चाइना भारत के उस प्रयास का ज्यादा सम्मान नहीं करता है। और उनका ये भी कहना है कि भारत चीन सीमा पर चाइना ने अपने दायित्वों के पालन में लगातार गिरावट की है, जबकि दोनों देशों के बीच लगने वाली सीमा पर भारत ने हमेशा से शांति और वार्ता का सहारा लिया है, लेकिन भारत के इस दृष्टिकोण का चीन के लिए कोई सम्मान नहीं है। यानी कि उनके मुताबिक चाइना भारत के इस रवैये को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, और उन्होंने इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई है वो ये है कि चाइना इन विवादित स्थलों को अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता रहा है और चीन का मकसद इन विवादों को निपटाना नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि 1990 के दशक से चाइनीज पेट्रोलिंग पैटर्न ये भी दर्शाता है कि चाइना पूरे अक्साई चीन प्लेटो को कंट्रोल करना चाहता है जिस पर लद्दाख के कुछ हिस्से स्थित हैं। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स।
डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।